नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। पहले और दूसरे चरण में जबरदस्त वोटिंग दिखने के बाद आज झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के लिए तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में मतदाता वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथों पर उमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। कुल 17 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं राजधानी रांची में इसी चरण में मतदान हो रहा है। 17 में से 5 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है, जबकि 12 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान संपन्न हो जाएगा। तो जो बाकी की 12 सीटें हैं उस पर मतदान 3 बजे तक इसलिए संपन्न हो जाएगा क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ पर वोटिंग 3 बजे तक खत्म कर दी जाएगी। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, मंत्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इस चरण में कुल प्रत्याशी जो हैं वो 309 हैं। कुल मतदाता 56,18,267 हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाताओं की संख्या 29,37,976 है। वहीं महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो 26,80,205 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर 86 और कुल मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं वो 7,016 हैं। कुछ अहम मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और कुछ अहम फैक्टर भी इस चुनाव में हैं, जैसे कि शहरी मतदाता मतदान में कितनी रुचि दिखाते हैं, वोटिंग प्रतिशत सबसे अहम कहाँ की होगी, मोदी और राहुल अपने प्रत्याशियों के लिए जनता का ध्यान खींच पाते हैं या नहीं, रघुवर दास और हेमंत सोरेन के किसे बेहतर CM उम्मीदवार जनता मानती है, इन सब मुद्दों को लेकर के चुनाव ये विधानसभा का है। कुल 5 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी पहले चरण में और दूसरे चरण की वोटिंग पहले चरण के मुकाबले थोड़ी सी सुस्त थी। आज तीसरा चरण का मतदान हो रहा है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी संख्या भी बहुत है। महिला वोटरों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथों पर महिला वोटर्स उमड़ रही हैं और अपनी मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव 2019 झारखंड में जो चल रहा है, ये काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें कई पार्टियों की जो है साख दांव पर है। JMM हो, JVM हो, या फिर आजसू हो, या फिर बात कर राजद, कांग्रेस, BJP, JDU, सभी ने जोर शोर से चुनाव में ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया है। इसके साथ ही साथ कई अहम फैक्टर भी हैं। बिहार में और देश में एक साथ खड़ी NDA झारखंड में अलग अलग चुनाव लड़ रही है। JDU अलग है, BJP अलग है और LJP अलग चुनाव लड़ रही है। वहीं राजद की बात करें तो महागठबंधन का पार्ट है। कांग्रेस और राजद और JMM मिलकर के क्या कुछ कर पाते हैं, क्या हेमंत सोरेन को CM का चेहरा जनता देखती है या फिर रघुवर दास को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये सब कुछ तय होगा। लेकिन उससे पहले आज का जो चुनाव है, जो तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है, इस तीसरे चरण के चुनाव में ज़बरदस्त वोटिंग अगर होती है तो उसका सीधा फैक्टर बड़े दिग्गजों को मिलने जा रहा है। सीधा फायदा कई बड़े नामों को मिलेगा क्योंकि इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हमको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। Facebook पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।